एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं जो है अभी तुरंत नहाई हूँ। अब मैं बनाऊंगी अपना खाना, क्योंकि मुझे आज अपना खाना अलग से बनाना है। बहुत मतलब मेरे टाइप का खाना आज नहीं बनाया, तो थोड़ा सा अपना खाना मैं बनाऊंगी। मैंने बेसन की रोटी बना ली है और अब मैं बनाऊंगी, बॉइल कर ली थी मैंने आलू, तो मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी, कम मसाले कम तेल वाली। ये छोटा बहुत खराब हो रखा है। अभी कपड़े मैंने धो के डाले हैं छत पर और सूखे हुए जो है सो नीचे लेके आई हूँ, और बारिश हो रही है। बारिश का सीजन इस बार पहले ही एंट्री कर लिए हैं, मतलब जून वाली जो गर्मी है फील नहीं हुई इस बार। बहुत बारिश होने के कारण गर्मी और ठंडी दोनों है। तो नीचे देखो, नाम हटा के देखो। मम्मी मम्मी ना था। है क्या? ये खाऊ वाला कौन चाकू कहाँ? कल मंडे ना था? कल मंडे ना था? कल मंडे था तो क्यों आज महीने बाल धोई हो ट्यूसडे को? हाँ, बाल धोने का भी डे होता है क्या? लड़की लोग किसी दिन बाल धो सकती है। शादी होता है ना, तब कभी कभी रोज नहीं होना चाहिए। अभिनव ले आओ गमछा, उठा के छत पर से, बारिश आएगा ही। उठा के सीधी घर में डाल देना, जो कपड़ा भी पसा रहे उसको छोड़ देना। कट रही हूँ प्याज और बताऊंगी बिने आलू से फैट बढ़ता है, मगर बॉइल किए हुए आलू की सब्जी से नहीं बढ़ता है। और मैं इतनी बात करते करते एक चीज तो भूल ही गई, जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन जरूर हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग इन वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मेरे बगल वाली जो पड़ोसी की लड़की है वो छत पे चढ़ी हुई है, क्योंकि उसका जो घर का काम हुआ है थोड़ा सा प्लास्टर हुआ है, तो वो जो है चढ़ी हुई है। तो ये देखिए, यही लड़की है जो ढक रही है। बनाते हैं फ्रेंड्स सब्जी, क्योंकि जब तक बनेगी नहीं तब तक खाएंगे कैसे। एंजल वहां से हटो, देंगे बेटा दूध रोटी खाएगी एंजल। तो बस एक चम्मच तेल, और मेरा ये जो पिंपल है ना, ये जो है हट ही नहीं रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने तेल गर्म कर ली है, अब इसमें फौरन डालूंगी सूखे हुए मिर्च और जीरे की, और उसके बाद जो है डालूंगी प्याज और थोड़ा सा फ्राई करूंगी हल्दी पाउडर, मिर्च थोड़ा सा, मिर्च पाउडर थोड़ा सा, मिक्स मसाला डाल के थोड़ा सा हल्का फ्राई करके, फिर आलू डाल के फ्राई करके उसमें डालूंगी थोड़ा सा पानी। कलर जो है इसमें आ गया, अब मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी उसके बाद डाल दूंगी पानी, तो हो जाएगा ये खाने लायक। और ऑनलाइन बच्चों का क्लास चल रहा है, तो बीच बीच में जितना गैप मिलता है मैं मोबाइल लेके और शूट करने लग जाती हूँ। तो ये सब खाने का अलग ही मजा है। तो दोस्तों जब तक हो रही है सब्जी ठंडी, तब तक जो मैंने कपड़े ऊपर से सुखा के लाए थे उसे फोल्ड करके रख देती हूँ। भूख तो काफ़ी लगी है, मगर ऐसे खाली बैठी रहती तो जोड़ों का भूख लग जाता, तो मैं पहले कपड़े ही फोल्ड करके डाल दे रही हूँ। तब तक सब्जी ठंडी हो जाएगी तो मैं खाऊंगी।
व्यंजन जो है अपना भोजन कर रहे हैं, मगर मेरी सब्जी जो है ठंडी नहीं हुई है। और ये रही अंजल दूध रोटी खाते हुए, इससे बस दूध रोटी चाहिए। और अभी खास करके आम रहे अभिनव आलू सिंह स्कूल ड्रेस में, बीच में गैप मिला है तो ये जो है खा रहे हैं, वो भी बिस्तर पे बैठ के। तब कुछ एक्सप्लेन करना चाहेगा तुम? बिस्तर पर बैठ के खाना चाहिए क्या? क्यों क्यों मेरे ख्याल खाना चाहिए। आज कौन कौन सा पीरियड था? हिंदी इंग्लिश और साइंस कंप्यूटर मैथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बारिश से भीग गई है इसलिए बहुत ज्यादा चिल्ला रही है। तो ये जो है छत के नीचे, गेट का जो छत है उसके नीचे ये छुपी हुई है। सबसे ज्यादा दिक्कत बारिश में जानवरों को ही होती है, जोरों की बारिश। फ्रेंड्स ये है मेरा खाना, ये रही दो बेसन की रोटी, इस पे मैंने एक चम्मच घी लगाया है। ये रहा सोयाबीन जो आज की सब्जी में से मैंने थोड़ा सा लिया है टेस्ट के लिए। और ये रही मेरी कम तेल मसाले वाली आलू वाली सब्जी जो कि बॉयल आलू का बना हुआ है। तो आइए आप लोग भी खाइए और मैं भी खाती हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे खाते खाते ये डायरेक्ट सफाई पे कैसे लग गई, तो फ्रेंड्स खा के मैं सो गई थी। और ये है शाम का टाइम, बारिश होने के बाद आप लोगों को मैंने दिखाया था कि बारिश काफ़ी हो चुकी थी। तो बारिश होने के बाद जो छत पे पानी ना, 3-4 दिन से लगातार इसी टाइप की बारिश हो रही है, तो छत पे पानी जहाँ जहाँ जम जाता है वहाँ वहाँ नीचे जब आप छत देखिएगा ना, थोड़ा थोड़ा रिसने लगता है। तो मैंने सोचा पहले जो जितना पानी जहाँ जहाँ जमा हुआ है उसे जो मैं हटा देती हूँ, तो थोड़ा सा छत जो है सूख जाएगा तो नीचे नमी कम रहेगी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा नमी रहने से कितनी परेशानी होती है, अच्छी नहीं लगती। और ख़ास करके मेरा तो नीचे टाइल्स भी नहीं लगा हुआ है और पानी जमने के कारण अजीब सा रूम स्मेल देने लगता है। तो यही मैं छत पे आ गई थी थोड़ा सा क्लीन करने के लिए, पानी जो है भगाने के लिए। ये नहीं गया तो इसके लिए ना कुछ स्पेशल मुझे करना पड़ेगा, तो देखती हूँ इसके लिए मैं क्या कर पाती हूँ। तो ये जो है ना कुछ ज्यादा ही है, पूरा बॉडी का फैट चला गया मगर ये नहीं गया है, तो इसके लिए जरूर मैं कुछ करूंगी, क्योंकि अभी नहीं करूंगी तो फिर कभी नहीं करूंगी, तो ये जरूरी है करना इसके लिए। तो मैं इसके लिए क्या करूं, कुछ तो ट्राई करूंगी जिससे इसका जो है साइज कम जाए, यानी ये जो है थोड़ा और अंदर चल जाए और मैं जो है थोड़ा शेप में आ जाऊं। तो देखती हूं इसके लिए क्या करती हूं। और हो गई है शाम, लगता है ब्लॉग काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो आज का ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय नमस्कार। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सपोर्ट करोगे मेरे चैनल को। जाती हूँ, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग एंड वीडियोस में, तब तक के लिए सारे दोस्त सारे फ्रेंड्स को बाय बाय।